कृष्णम वंदे जगद्गुरु, नमो नमः। आज हम शुकनासोपदेश का आगे का भाग पढ़ेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि जो भी युवा अवस्था में और राज्य लक्ष्मी के प्राप्त होने पर मनुष्य में अनेक सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिनका निवारण अत्यंत मुश्किल है। अब आगे कहते हैं कि ये जो राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती थी विस्तरेण अभिधीय से, यानी अब ये जो राज्य सुख आदि की जो सन्निपात है, यानी जो गहन निद्रा है, उसके बारे में हम विस्तरेण अभिधीय से, यानी जो जो दोष युवा अवस्था के कारण या राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति के कारण उत्पन्न होते हैं, उनका विस्तार से हम वर्णन करेंगे। अब कौन कौन से दोष हो सकते हैं तो वो गिनाते हैं, किस किस कारण से दोष उत्पन्न होते हैं, दोषों के हेतु क्या हैं वो बतलाते हुए कहते हैं। गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम चेति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा सर्वा। तो कहते हैं कि गर्भेश्वरत्वम, गर्भ से ही ईश्वरत्वम, ईश्वरत्वम यानी गर्भ से ही संपत्ति प्राप्त होना, यानी ऐसे परिवार में जन्म होना जो धन धान्य से संपन्न हो या कोई बड़ा राज परिवार हो। फिर अभिनव यौवनत्वम, फिर दोषों को उत्पन्न करने का एक कारण हो सकता है अभिनव यौवनत्वम, यानी नई नई युवा अवस्था जब व्यक्ति में आती है तो वो अपने सारा विवेक भूल जाता है, सारा शास्त्र ज्ञान उसका कुंद पड़ जाता है और विवेकहीन होकर वो गलत गलत कार्य करने लगता है। अप्रतिम रूपत्वम, और यदि आपके पास अप्रतिम यानी जिसकी प्रतिमा नहीं हो, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो, ऐसा जो रूप है उसकी प्राप्ति, और अमानुष शक्तित्वम यानी सामान्य मनुष्यों से अधिक शक्ति होना, अमानुषी शक्ति यानी जो मनुष्येतर शक्ति है, मनुष्येतर शक्ति की प्राप्ति होना। ये सारे जो गुण हैं वो क्या है, महती इयम खलु अनर्थ परंपरा सर्वा, ये जो सारे गुण हैं वो महती यानी बहुत बड़ी अनर्थ परंपरा सर्वा, अनर्थ की परंपरा यानी एक के होने पर उस अनर्थों की परंपरा प्रारंभ हो जाती है कि ये कारण होंगे और उससे कहीं कहीं सारे दोष मनुष्य में उत्पन्न हो जाएंगे। यहाँ देखिए, गर्भात ईश्वरत्वम यानी जन्म से ही धनी या राजा होना, अभिनवम यौवनम, यहाँ पे यौवन शब्द बना है यूनः भाव इति युवन, और उसमें जब हम अण प्रत्यय करते हैं तो यौवनम बनता है। और अविनयानाम में नय तत्पुरुष समास है, न विनयः इति अविनयः, तेषाम अविनयानाम यानी अविनय यानी धृष्टताओं की एक परंपरा। और यहाँ पे देखिए कि एक एकम अपि अनर्थ परंपरा सर्वा, तो यहाँ पर कहा गया कि भाई ये चारों जो है वो अनर्थों की परंपरा बनते हैं, अभिनव यौवनत्वम, जन गर्भात ईश्वरत्वम, इस तरह से। इसी के समान वाक्य हमें कालिदास भी कहते हैं, वयो रूप विभूति नाम एक एकम मद कारणम, पंचतंत्र में इस भी इससे मिलता जुलता एक श्लोक मिलता है, यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेकिता एक एकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्, यानी एक ही किसी के पास हो जाए तो वो अनर्थ की परंपरा है, और यदि चारों एक साथ किसी के अंदर हो जाए या किसी को प्राप्त हो जाए तो फिर तो उसकी अनर्थों की या उसके पतन का तो क्या कहना है। और ये जो राजकुमार तारा चंद्रापीड है उसके पास सभी कुछ एक साथ प्राप्त है,
क्या है कि भाई राजा के परिवार में उत्पन्न हुआ है, शास्त्र ज्ञान से युक्त है, सुंदर रूप वाला है और शक्ति वाला है। तो अब उसके उसके जीवन में तो अनर्थों की परंपरा कभी भी प्रारंभ हो सकती है और नई नई युवावस्था उसको प्राप्त हुई है। तो देखिए, अविनया नाम एक एकम अपि एषाम आयतनम किम उत समवायः। ये जो चारों हैं वो अविनया नाम, विनय का क्या कहे, अविनय के भंडार हैं। किम एक एकम अपि, एक एक भी अविनय का भंडार है। आयतन यानी उसका निवास स्थान है। किम उत समवायः, समवाय यानी उसका जो समूह, किम उत समवायः, अगर एक साथ किसी को प्राप्त हो जाए तो फिर तो उसकी पतन का कोई और छोर ही नहीं रहेगा। अब कह रहे हैं, यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। अब युवावस्था का दोष बतलाते हुए कहते हैं, यौवनारंभे, जब युवावस्था प्रारंभ होती है तब प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित, प्रक्षालित यानी धुली हुई, परिमार्जित हुई हुई, निर्मला अपि बुद्धि ही, निर्मल बुद्धि भी कालुष्यम उपयाते, यानी युवावस्था में व्यक्ति जो कुछ भी पढ़ता है उससे उसका मन निर्मल होता है, लेकिन ऐसी निर्मल बुद्धि भी युवावस्था प्रारंभ होते ही कालुष्यम उपयाति, कलुषता को प्राप्त हो जाती है, विकृत हो जाती है, दोषयुक्त हो जाती है। तो देखिए, यौवनस्य आरंभे, यौवनारंभे, अब यहाँ पे शास्त्र जलम यानी शास्त्र एव जलम, शास्त्र ही वह जल है। यहाँ पर शास्त्र में जल का आरोप कर दिया गया है तो इसलिए रूपक अलंकार है। प्रक्षालनम में देखिए, प्र उपसर्ग है, क्षाल धातु है और उसमें ल्युट प्रत्यय होकर के प्रक्षालनम बना है। बुद्धि ही, अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे, तीन प्रत्यय के तीन चार प्रयोग आएंगे। तीन प्रत्यय बुद्धि ही में बुद्ध धातु है और तीन प्रत्यय है यहाँ पे भावे, भाव यानी क्रिया अर्थ में यहाँ पर तीन प्रत्यय हुआ है। कालुष्यम, कलुषताया भाव इति कालुष्यम, यहाँ पे कलुषा प्लस श्य प्रत्यय हुआ है। और उपयाति में उप उपसर्ग है, या धातु है और लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है। यहाँ यौवनारंभ में मनुष्य का सब शास्त्र ज्ञान व्यर्थ हो जाता है और उसकी बुद्धि राग द्वेष के मल से भर जाती है और अपना विवेक खो देती है। तो ये जो बुद्धि की कलुषता है उसका तात्पर्य है राग द्वेष युक्त होकर के विवेक से रहित हो जाना। यहाँ पर शास्त्र में जलत्व का आरोप है और कालुष्य शब्द में श्लेष है, जिसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो है कालुष्य यानी गंदलापन, मैलापन, और उसका दूसरा अर्थ यहाँ निकलता है विवेक रहितता। तो विवेक राहित्य एवं गंदल पर गंदलापन का जो आरोप है और जो शास्त्र पर जलत्व का आरोप है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है दोनों ही स्थानों पर। अब आगे देखिए, अनुंजित धवलता अपि स रागैव भवति यूनाम दृष्टि है। अनुंजित धवलता अपि, धवलता को छोड़े बिना ही स रागैव भवति यूनाम दृष्टि है। तो यूनाम यानी युवानाम, जो युवा व्यक्ति हैं उनकी जो दृष्टि है वह धवलता यानी श्वेतता को, उनकी आँखें श्वेतपन को अपने अनुंजित बिना छोड़े ही, उंजित यानी छोड़ना, अनुंजित यानी बिना छोड़े ही
सरागैव भवति, राग युक्त हो जाती है। राग का एक अर्थ यहाँ पे लालिमा युक्त हो जाती है, यानी धवलता को छोड़े बिना ही लाल हो जाना। यहाँ पर राग का एक अर्थ और है कि राग का अर्थ है राग से युक्त, रजोगुण से संपन्न हो जाना, राग से युक्त हो जाना, यह भी यहाँ अर्थ हो जाता है। तो लाल अर्थ भी हो सकता है, और दूसरा अर्थ है विषय में आसक्ति रूप जो राग है उससे युक्त होना। यहाँ पर देखिए, यूनाम यानी तरुणों की दृष्टि ही, यानी जो दृश्यते अनया इति दृष्टि ही, यहाँ पर भी दृश्य धातु में तिन प्रत्यय है। देखो वहाँ पे हमने बुद्धि में तिन प्रत्यय था, यहाँ दृश्य धातु में भी तिन प्रत्यय है जिससे दृष्टि ही बना है, लेकिन यहाँ पे करण अर्थ में तिन प्रत्यय हुआ है, वहाँ पर भाव अर्थ में तिन प्रत्यय हुआ था। उंजिता हा अनुंजिता हा, इसका होगा न उंजिता इति अनुंजिता हा, यहाँ पर नए तत्पुरुष समास है और उंज धातु में त प्रत्यय है। धवलता में तल और टाप, धवल शब्द है उसमें तल और फिर उसमें टाप प्रत्यय है। सरागैव यानी रागेण सह वर्तमाना इति सहरागैः, और यहाँ पे एक अर्थ हो सकता है इसका विषयाशक्ति और दूसरा हो सकता है लालिमा। राग का जो है इसमें रंज धातु है और घय प्रत्यय है। यहाँ पर देखिए विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार उसे कहते हैं जहाँ दो वस्तुओं में विरोध जैसा दिखाई देता है लेकिन उनमें विरोध नहीं होता, यानी विरोध का आभास होना पर वस्तुतः विरोध नहीं होना। तो यहाँ पर युवकों की आंखें सफ़ेदी न छोड़ते हुए भी सराग हो रही है, लाल हो रही है, तो एक ही वस्तु का सफ़ेद होना और लाल भी होना विरुद्ध है, किंतु सराग अर्थ का यहाँ दूसरा ही अर्थ है, ये रमणीय आदि विषय में आसक्त होना, इसलिए यहाँ विरोध नहीं है और यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। कादंबरी में अनेक स्थानों पर, यहाँ शुकनसुपदेश में भी हम देखेंगे कि अनेक स्थानों पर इस विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखिए आगे, अपहरति च वात्येव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांतिर अति दूरम आत्मेच्छया यौवन समये पुरुषम प्रकृति। यौवन समये युवा अवस्था के समय पुरुषम पुरुष को प्रकृति ही, प्रकृति यानी उसका जो स्वभाव है वह अपहरति, उसका अपहरण कर लेता है, पुरुष की जो प्रकृति है उसका अपहरण कर लेती है। किस प्रकार से अपहरण कर लेती है? जैसे वाति एव, वात्येव, वाति यानी पवन के समान जो बवंडर होता है हवा का, उसमें शुष्क पत्रम, शुष्क पत्र यानी सूखा हुआ पत्र, समुद्भूत उड़ करके रजोभ्रांति ही, जो रजोभ्रांति यानी जो बवंडर उत्पन्न होता है उसमें समुद्भूत उठा करके अति दूरम बहुत ही दूर आत्मेच्छया अपनी इच्छा अनुसार अपहरती, अपहरण कर लेती, यानी जैसे सूखे पत्ते को हवा का बवंडर अपनी इच्छा अनुसार कहीं दूर ले जा करके फेंक देता है, उसी प्रकार युवावस्था में पुरुष की जो प्रकृति है वह उसके मन का अपहरण करके रजोभ्रांति, या रजोभ्रांति का तात्पर्य है रजोगुण से युक्त होकर के वो जो पुरुष की प्रकृति उसको कहीं दूर विषय भोगों में ले जा कर के गिरा देती है और उसका पतन कर देती है। यहाँ देखिए भ्रांति ही में भी भ्रम धातु के साथ तिन प्रत्यय, लेकिन यह भाव अर्थ में है। सम उद्भूता में सम उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, भू धातु है और त प्रत्यय है। प्रकृति ही में भी तिन प्रत्यय है, प्र उपसर्ग क्री धातु और इसमें भी तिन प्रत्यय है। यहाँ पर जो प्रकृति शब्द है
उसका अर्थ जगत का कारण भौतिक सांख्य दर्शन का एक तत्व है प्रकृति, जो सत्व रजस और तमस से युक्त होता है, वो जगत का कारण है। और ये जो प्रकृति है ये ही मनुष्य के उत्कर्ष और अपकर्ष में हेतु है। यदि उसमें सत्व गुण बढ़ जाता है तो उसके उसका उत्कर्ष हो जाता है, रजोगुण या तमोगुण बढ़ जाता है तो उसका अपकर्ष हो जाता है। और ये रजोगुण को के विषय में गीता कहती है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, यानी काम क्रोध आदि चीज़ें जो दोष हैं वो रजोगुण से समुद्भव उत्पन्न होती है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, रजोगुण को राग भी कहा गया है और तृष्णा संग समुद्भवन, और ये तृष्णा आदि के संग को उत्पन्न करती है। तो यहाँ प्रकृति की तुलना आंधी से की गई है, और रज और भ्रांति की तरह अति दूरम अपहरति, ये अति दूर ले जाते हैं। यहाँ पर श्लेष अलंकार है कि वात्य के पक्ष में यदि हम बवंडर माने तो वहाँ पर जो है वो अपहरित की मतलब दूर उठाकर फेंक देती है, और प्रकृति माने तो भ्रम उत्पन्न करके मनुष्य को भयंकर आपत्ति में गलतियों में फंसा देती है। यहाँ इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम कल करेंगे। धन्यवाद।